देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड डे की जो सबसे ताजा खबर आ रही है वो कर्नाटका से है, जहां कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी KC वेणुगोपाल और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर से मिले और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक BJP ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात की पुष्टि कांग्रेसी विधायक HM रनैया के बयान से होता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह BJP के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और वह BJP ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं BJP की ओर से भी इस बात पर हामी भरी गई है। और मिड डे की जो दूसरी सबसे ताजा खबर आ रही है वो फेसबुक डाटा लीक मामले को लेकर है, जहां फेसबुक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण 14 मिलियन यूजर्स का प्राइवेट डाटा पब्लिक हो गया है। ये प्रॉब्लम 18 मई से 27 मई के बीच सामने आई थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस मामले में फेसबुक से स्पष्टीकरण मांगा है। और मिड डे की जो तीसरी सबसे ताजा खबर आ रही है वो गीता के शादी को लेकर है, जहां 2015 में भारत लौटने वाली मुखबधिर युवती गीता अपना वर चुनने के लिए इंदौर में गुरुवार को 4 युवकों से मिली। आपको बता दें कि इन लोगों ने फेसबुक पर वैवाहिक विज्ञापन देखने के बाद गीता के साथ साथ फेरे लेने की इच्छा जताई है। और मिड डे की जो चौथी सबसे ताजा खबर आ रही है वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के RSS कार्यक्रम में शामिल होने के बाद के बयानों को लेकर है, जहां प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेसी लीडर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक बार फिर से ट्वीट के जरिए RSS की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें इसी बात का डर था और इसी को लेकर उन्होंने अपने पिता को चेताया भी था। उन्होंने आगे कहा कि कार्यक्रम समाप्त होने के कुछ घंटे भी नहीं बीते हैं और BJP RSS के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और इस ट्वीट के साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक एडिटेड फोटो भी शेयर किए हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी RSS के प्रार्थना सभा में RSS के ध्वज को सलामी दे रहे हैं। और मिड डे की जो पांचवी सबसे ताजा खबर आ रही है वो मुंबई से है, जहां शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के एक दिन बाद कहा कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो बस ड्रामा है। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कहा था कि शिवसेना आगामी लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। और मिड डे की जो छठी सबसे ताजा खबर आ रही है वो पूर्व राष्ट्रपति के RSS कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कांग्रेस के बयान को लेकर है, जहां कांग्रेस ने BJP और RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संघ को सच का आईना दिखाया है और मोदी सरकार को भी राजधर्म अपनाने की सीख दी है। और मिड डे की जो सातवीं सबसे ताजा खबर आ रही है वो PMO से है, जहां PM मोदी शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में शामिल होने के लिए शनिवार को यानी कि 9 जून को चीन जाएंगे। यह सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा और इस सम्मेलन में PM मोदी चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 2017 में भारत को शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनाया गया था। और मिड डे की जो आठवीं सबसे ताजा खबर आ रही है वो दिल्ली से है, जहां JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि रामायण काल के टेस्ट ट्यूब पद्धति से मोदी सरकार विकास को पैदा करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि माता सीता का जन्म टेस्ट ट्यूब पद्धति का पुख्ता सबूत है। और मिड डे की जो नौवीं सबसे ताजा खबर आ रही है वो इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप को लेकर है, जहां न्यूजीलैंड ने भारत को 2-1 से हरा दिया है और इससे पहले भारत ने चीन, तपाई और केन्या को हराया था। और मिड डे की जो दसवीं सबसे ताजा खबर आ रही है वो बॉलीवुड से है, जहां सलमान खान ने कहा है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वह अनिल कपूर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनिल कपूर पिछले कुछ सालों से जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे उन्होंने साबित कर दिया है कि इस इंडस्ट्री के अगले अमिताभ बच्चन वही होंगे। और ये थी मिड डे न्यूज दोपहर की सबसे बड़ी खबरें। और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।